नमस्कार दोस्तों, पिछले संडे को हमने बात की थी ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार धनात्मक ऊर्जा और ऋणात्मक ऊर्जा। दोस्तों ये जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन, दिमाग यानी हमारा मस्तिष्क। विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि जो हमारा दिमाग होता है उनसे तरंगे निकलती है, और विज्ञान के अनुसार इन तरंगों को चार भागों में बांटा गया है। चार तरह की तरंगे निकलती है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। डेल्टा तरंग निकलती है जब हम सो रहे होते हैं तब, थीटा तरंग निकलती है जब हम कल्पना कर रहे हो तब, और अल्फा कण निकलती है जब हम शांत हो तब, और बीटा कण निकलती है जब हम कोई तर्क दे रहे हो तब। तो दोस्तों ये जो तरंगे निकलती है ये तरंगों की अपनी एक आवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे डेल्टा जो तरंग होती है उनकी आवृत्ति होती है 0.5 से 4 साइकिल प्रति सेकंड। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम माने कि हमारा दिमाग में भी धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा निकलती है, कैसे निकलती है इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक रेडियो है, एफएम है, और कहीं कोई एफएम है 97.5 एफएम। तो 97.5 क्या है, उस एफएम की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और हमें हमारे रेडियो को उस आवृत्ति पर सेट करना है, ट्यून करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे रेडियो की नोब को घुमाते हैं, या फिर आजकल डिजिटल है तो हम डिजिटली उसको 97.5 पर सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 97 पर सेट करेंगे तो हमें हमारा गाना नहीं सुनाई देगा, अगर हम 97.4 पर सेट करेंगे तो भी गाना नहीं सुनाई देगा, अगर हम 97.6 पर सेट करेंगे तो भी गाना सुनाई नहीं देगा, जब तक कि हम उसको 97.5 फ्रीक्वेंसी पर सेट नहीं कर देंगे। और जैसे ही हम उसको 97.5 फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देंगे वैसे ही हमें गाना सुनाई देगा। और विज्ञान की भाषा में बात करें तो इस अवस्था को बोलते हैं अनुनाद, जिसके अंदर अधिकतम धारा बहती है और वहां पर हमें गाना एकदम बढ़िया तरीके से सुनाई देता है। तो दोस्तों इसको अगर हम इस तरीके से लें कि रेडियो जो था वो हमारा दिमाग था, और अब हम हमारे दिमाग को सेट कर रहे हैं किसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। जैसा मैंने बताया अगर हम हमारे दिमाग को पॉजिटिव रखेंगे तो हमें जो सामने से पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है वो मिलेगी, और अगर हम पॉजिटिव ऊर्जा लेंगे तो उसी प्रकार से हमारी जिंदगी रहेगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम हमारे दिमाग को निगेटिव आवृत्ति पर सेट करेंगे, ऋणात्मक ऊर्जा पर सेट करेंगे, तो सामने से जो ऋणात्मक ऊर्जा आ रही है वो हमें मिलेगी, उस वैसी ही हमारी जिंदगी रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, अगर हम खुद को निर्बल मानेंगे तो निर्बल बनेंगे, सबल मानेंगे तो सबल बनेंगे। तो देखिए दोस्तों लॉकडाउन के अंदर अगर आप जैसा दिन बिताओगे उसी हिसाब से आपका दिन बीतेगा। अगर आप ऋणात्मक ऊर्जा के साथ बिताओगे तो आप पूरे दिन भर यही सोचते रह जाओगे कि यार मैं क्या करूं, ये कोरोना फैल गया, ये हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप धनात्मक ऊर्जा के साथ दिन बिताओगे, आप ऐसा सोचोगे यार मेरे को ये समय मिला है, मेरे पास कोई कमी है, मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं इसको दूर करूं, मेरा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है तो मैं उसको दूर करूं, मैं डरता हूं तो अंदर ही अंदर डरता हूं तो उसको मैं दूर करूं, तो आप अपनी कमियों को दूर करने में भी अपना समय लगा सकते हैं, और इन लॉकडाउन के समय में आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे इंग्लिश आपकी वीक है, तो आप इंग्लिश की इतनी बढ़िया तरीके से टाइम तैयारी कीजिए ताकि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आए तो वो आपका फर्स्ट टाइम में निकले। अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, तो आप उसको इतनी ढंग से पढ़िए, बेसिक पढ़िए, सातवीं आठवीं, अगर आप ट्वेल्थ में तो सातवीं आठवीं की किताबें पढ़िए ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बने, ये समय खुद को मजबूत करने का है। साथ में दोस्तों महान वैज्ञानिक नेल्सन निकोल टेस्ला ने भी ये कहा है अगर हमें इस ब्रह्मांड को समझना है तो हमें तीन चीजों पर गौर करना पड़ेगा, आवृत्ति, ऊर्जा और वाइब्रेशंस, कंपन। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स देन वी हैव टू फोकस एनर्जी, वेव एंड
वाइब्रेशंस, इन तीन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और ये तीन चीज ही, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरा ब्रह्मांड जो है ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है, ऊर्जा की आवृत्ति होती है। आवृत्ति विज्ञान के स्टूडेंट को पता है कि जब हम आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में आगे पीछे का समय या एक सेकंड में होने वाले कंपनों को हम आवृत्ति कहते हैं। तो आपने ऊर्जा तरंग और आवृत्ति का खेल समझ लिया, तो इस ब्रह्मांड के बारे में आप बहुत कुछ जान लोगे। और तो इस लॉकडाउन के समय में मैं तो यही बोलूंगा, हमारे चैनल की तरफ से यही आपसे गुजारिश है, पॉजिटिव रहिए दिमाग से, कोरोना से नहीं, कोरोना एक दिन खत्म होगा। जैसा कि देश में हालात है, अब अनलॉक होता जा रहा है, धीरे धीरे सब चीजें खुल रही हैं, एग्जाम्स के भी टाइम टेबल आते जा रहे हैं, तो हमारे अंदर जो कमियां हैं अभी भी काफी टाइम बचा है, उनको दूर कीजिए, फोकस कीजिए टारगेट@gov.jobs पे। धन्यवाद।